अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निगेबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान। आज के सिर्फ दो टॉपिक पे हमने गुफ्तगू करनी है। ये जो पीछे बिहाइंड द सीन आप देख रहे हैं, ये मेरी बेटी का घर है, छोटी सी इनेक्सी है, पीछे इनका गार्डन है। ये गार्डन लाइटिंग का भी प्रॉपर बंदोबस्त नहीं, ऊपर से शाह साहब अखा देने हुए इन्हें। ये भी आंख लेने गई हुई बेचारी मेरे लिए ऐनक, घर में मेरे ख्याल 8-9-10 पड़ी हुई, एक एक दो दो यूरो के तो आते हैं डिस्पोजेबल। अच्छा जी, बात ये हो गई थी, अगर आप इसमें बर्दाश्त कर लेना, थोड़ी सी अगर कोताही गलती हुई हो तो बर्दाश्त कीजिएगा। इंग्लैंड में आया हुआ हूँ और यहीं से आपसे भी लिख करेंगे। पहला है जी, जो कल था इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर ने जो अपील की हुई है, उसमें करदार आप नोट कर लीजिए, किसी भी जो पीटीआई को सपोर्ट करता है, उस किसी भी यूट्यूबर को जो पीटीआई को सपोर्ट करता है, उसमें आप नोट फरमा लीजिए शुएब शहीन का क्या करदार है। वो जान जुट रही है, वो उसको दावत दे रहा, नहीं जी चलाना तो चलाए। ये मेजर जनरल वडाई साहब का कारनामा है जी, क्या किया जाए। अब एक बंदा बंद है तो इस जैसे वो नहीं हिम्मत हारेगा, अगर हिम्मत हरवाएंगे तो ये लोग टाउट, ये एजेंट हिम्मत हरवाएंगे। बहुत मुझे दुख हुआ। खैर फिर भी अल्लाह ताला भी उस वक्त ही मदद करता है ना, जब अगर हिम्मत करोगे तो, जिसकी मिसाल आपके सामने जंगे ओहद है, आहद या ओहद जो भी कह लें आप। शाहजी पाकिस्तानी आई लव यू। दूसरा एक मोहम्मद लतीफ़ का बयान आया, तो बात। ये अमेरिका ने हमारी कौम 25 करोड़ को बगैरत कर दिया है, दल्ला कर दिया है, बढ़वे कर दिए हैं, वरना अदरवाइज एक शख्स आके तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया उसको खिलाते हैं, जो बड़े बड़े 5-7 चैनल कह लो 10 कह लो, वहाँ पे आकर रहा है जो मैं आता था तो कपड़े उतार के अंदर मैंने उनको बरहना कितनी मरतबा देखा। लोगों की सेंस कमाल नहीं करती। उसको जो लाया उसने भी मुंह पे अपने उस चढ़ाया हुआ था, मेजर जनरल नहीं ब्रिगेडियर ने, और जज जिसको लाया गया कोर्ट में, अदालत में, सेशन कोर्ट, बहुत बड़ा जज होता है, उसने भी मुंह ढक के लाया गया था। ये नौकर था इनका, पर्सनल अटेंडेंट कह लो वगैरह वगैरह। अजीब व गरीब कितना उस पर बेचारे पर तशद्दुद किया, वो ये मजबूर हो गया। एक जो मुद्दई आप जो मुद्दा लाया इमरान खान खुद कह रहे, मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ, मैंने निकाह वाले दिन इसको देखा था। अब वो नहीं पब्लिक को बता रहे, ये बता रहे कि उसका नौकर चाहता था, वो ये चला जाता था, वो चला जाता था, वो कस्टम में रहता था, वो उधर चला जाता था, कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर, तो ये खान साहब इधर आ जाते तो इतना ही वेला था यार। एक बार दूसरी, जब पीरी मुरीदी की बात थी तो पीरी मुरीदी में मुकद्दस रिश्ते आते हैं, मैं तो नहीं समझता कि अगर वो उसको पीर नहीं समझता था तो उसके साथ ये जनाकारी करता, मैं नहीं मानता, मुझे मौत आ जाए मैं अगर ये मानूँ तो। पीरी वरीदी होती है लेकिन इतनी भी नहीं गिरी भी होती जिस तरह के उस ड्राइवर ने कर दी या जिस तरह के मानिका ने बता दिया अवाम को बगैर। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, कुछ सुनी जा रही, देखे तो उसे कोई निकल नहीं रहा बाहर। यही CIA चाहता था, यही मुजाद चाहता था कि इन अवाम का जो गैरत का बीज है ना वो मारा जाए। शुरू हो गया कहीं से नहीं, कहीं मिल रहा तो ये इससे अंदाज़ा लगा लो कि वो 206 हमारे मेजर जनरल हैं और इनको प्लाट भी देने हैं आपके मेरे पैसों से। फिर 31-32 ये आ गए लेफ्टिनेंट जनरल और इनको भी प्लाट्स हमारे और आपके देने डिफेंस में से, जो कि पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की होगी उस ज़मीन के ज़िम्मेदारों को, जो भी बेचारों को देंगे तो उसमें से डेवलप कर कर के तो जो प्लाट मिलने इनको मिलने हैं। जो जो हमारी इधर रेगिस्तानी इलाकों में या चलास में क्या है जो बल जो मैदानी इलाका बावलपुर में वहाँ जगह मिलनी तो वो अलहदा ना, ये बिजली का बिल उतर देते हैं, ट्यूबवेल लगा लेते हैं, ना ही कोई अभियाना देते, ना ही कोई टैक्स देते। इनके बदमाश गुंडे जो पुराने इन्होंने आर्मी से रिटायर होते हैं वो लिए हुए होते हैं, वही जाके जहाँ से मर्जी दिल करता है पानी खोल के तो नहर गंगा ही पुटी बहा देते हैं। ये जो हमारे अवाम को सोचना पड़ेगा, मुझे बहुत दुख हुआ कि इस
नेट पे भी पहुंच गए, मारा होएगा बेचारे को, और उसको क्या करना था, आसो मुनीर इस नहज पे गिर जाएगा और बाकी भी जो जर्नैल जो हैं इस के पे चले, कोई किसी अवाम तो छोड़ो, इनमें से भी कोई गहरा ताला नहीं, एक प्लाट या दो प्लाट या तीन प्लाट के चक्कर में वो जो मिलने तैयार, उनको एलिमेंट्स मिलनी थी वो, और उससे बड़ा बढ़वा जो निकला ये काजी फायज ऐसा निकला, ये तो जूते चाट के आया था ना ये, इसके कोई इसके ना समझना, ये वही काम करेगा जिसकी फेवर जाएगी नवाज शरीफ को, ये वही काम करेगा जिसका नुकसान होएगा इमरान खान को, क्योंकि जो वो इन्होंने घर जो लिए थे वहाँ पे, उसमें हुसैन नवाज की ऑफशोर कंपनियों में से पैसे गए थे, कोई इसको पूछने वाला नहीं, ऐसे ही खुदा ताला कीड़े डाले, इनकी लाशों के ऊपर भी कुत्ते हमला करे, गुलजार के भी और खोसा के भी और बंदियाल के भी, कि इन्होंने उसको फ्री हैंड दे तरह, पता भी था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है इसको बचाने में, तो फिर इन्होंने क्यों उसको बचाया, अब सुकून से बैठे हुए, अब आपके मेरे टैक्स के पैसों से ये 12 लाख इनके पेंशन बनेगी, और मेलमेंट्स वगैरह रोटी कपड़ा और मकान कह लो, ये सारे ने रो कपड़े नहीं मेरे को मिलते, बाकी पैसे तो मिलेंगे इनको, बिजली का बिल फ्री, अखबार का बिल फ्री, मोहल्ले के चौकीदार फ्री, चौकीदार अलग होता ही नहीं, डिफेंस वगैरह में कहाँ से, वो जो CCTV लगे वो फ्री, वो बली बल्ब तभी तो, एक जमाली साहब आए थे वो 3 बल्ब ले आए, करे जी तब्दील किए हैं, इसके ये बिल है ये दे दो जी, लाहौल वाला कुवत ला बिलाजीम, असल में अवाम को इन्होंने देख लिया कि यार ये इस तरह लीडरों को खरीदने का ज़माना गया, अवाम को बगैरत करो, और वो उन्होंने कर दिया इसको, मेरे ख्याल गुस्से में मैं फिर आपे से बाहर हो जाएंगे, मेरी बहनें मेरी बेटियां फिर कहती हैं जी चाचा जी आप क्रीज से बाहर निकल के छक्के मार रहे हो, तो मैं मजबूर, मेरा बच्चा आलिया बाजी तो की दसी कि किन्ना दुख है, हालांकि ये जो बीच में गुस्से में हैं, बैक पे अगर हो कोई आपका कॉन्टैक्ट हो तो आपको पता लगे कि लोग किस कसम पुरसी की हालत में हैं, दो दो तीन तीन महीने के लोगों ने किराए नहीं दिए, अभी तक बिजली के बिल मीटर कटवा लिए, डायरेक्ट लगा के मीटर रीडर जा कहता बत्ती बालो, घबराओ ना बस, मैंने 1000 2000 दे दिया करो, ऐसे हालात चल रहे हैं, इसको मेरे का यहीं कर लें, हमारी जो पूरी किट आ जाए, फिर अगर धूप निकली टेम्परेचर आज इधर 8 है तो मेरे उधर 6 माइनस चल रहा था मेरे शहर का, बर्फ पड़ी पिघली नहीं ना अभी, तो इधर तो नहीं पड़ी, बाकी मैंने